Gora
Translation. Lord Gauranga is calling. Wake up, sleeping souls, wake up, sleeping souls. How long will you sleep in the lap of the witch called Maya? You have forgotten the way of devotional service and are lost in the world of birth and death. I have descended just to save you. Other than myself, you have no friend in this world. I have bought the medicine that will wipe out the disease of illusion from which you are suffering. Take this Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Bhaktivinoda Thakur says, I fall at the Lord's feet having taken this Mahamantra. Hare Krishna Prabhu. Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hare Hare Bo.
Hare Krishna, Vasudev. Very wonderful, Kirtan. Vasudev, can you do Kirtan for another 5 minutes? Sure, Prabhu. Yeah, Hare Krishna. Hare Krishna.
Hare Krishna, thank you very much, Vasudev and Sanadani Mataji. Wonderful kirtan, thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. हमारा अगला कार्यक्रम है भागवत कथा. हमारे आज का वक्ता की परिचय करने के लिए होस्ट है His Grace परमानंद कृष्ण दास प्रभु. Over to you, प्रभु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. थैंक यू वासुदेव. वंडरफुल कीर्तन प्रभु जी, सुमधुर कीर्तन. हरे कृष्णा. तो आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस ब्रह्मांड के सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट सबसे टॉप मोस्ट जो कार्य है वो है श्रीमद् भागवतम क्लास का पठन करना. तो आज हमारे बीच स्पेस परमेश्वर गौर प्रभु जी. परमेश्वर आपा वेलकम. हरे कृष्ण. तो हमारे बीच आज स्पेस परमेश्वर गौर प्रभु जी आए हैं चेन्नई से. परमेश्वर गौर प्रभु और गीता परमेश्वरी माता जी को शायद ही कोई दामोदर देश में है जो नहीं जानता है, लेकिन फिर भी मैं अपने शुद्धिकरण के कारण मैं शुद्धिकरण के लिए उनके बारे में ये क्लास पूरा बोलूंगा. हरे कृष्णा अप्पा. थैंक यू. सो परमेश्वर गौर प्रभु जी बताएगा स्वामी महाराज के शिष्य हैं. उन्होंने 79 में श्री प्रभुपाद जी का आश्रय लिया और 97 में उनकी पहली दीक्षा और 2005 में दूसरी दीक्षा हुई. प्रभु जी बहुत सारी सेवाएं करते हैं. आज भी चेन्नई से डेली मतलब वेरियस लैंग्वेजेस में क्लासेस श्रीमद् भगवत गीता भागवतम चरितामृत पर सब प्रचार करते रह रहे हैं. हम सब जानते हैं कि अभी लास्ट मंथ ही हमारा रामायण मतलब रमादान का जो ये महीना गया उसमें पूरा महीना प्रभु जी ने हर साल भागवतम कथा करते हैं करीबन 4 से 5 घंटे. और जैसे हम लोग रुके ना कि भाई नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नश. सो ये जो पर्सन भागवत जैसे दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक पुस्तक भागवत और एक व्यक्ति भागवत. सो ये हमारे परमेश्वर और प्रभु जी मतलब हमारे व्यक्ति भागवत है. तो इनकी सेवा हमें नित्य करनी चाहिए. नित्यम भागवत सेवया. We have to always serve this महान वैष्णवा जिसके मुखारविंद से हमें ये इतना मधुर मधुर कृष्ण कथा और रियलाइजेशन बताते हैं प्रभु जी. प्रभु जी को पर्सनली कभी भी आप कहीं भी मिलेंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपकी कृष्ण भक्ति कैसे चल रही है और एक श्लोक बताओ. सो ही सो मच इन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो बहुत सारी सेवा करते हैं. हम और भी लिस्ट पढ़ते हैं प्रभु जी के. जैसे ये मार्गशीर्ष महीने में जो हम ठंडी के महीने में नवंबर दिसंबर के महीने में हम सुबह सुबह मंगला आरती करते हैं सबके घर जा करके. तो प्रभु जी इज द लीडर. प्रभु जी एक्चुअली हमारे दामोदर देश के वन ऑफ द लीडर हैं. और जितने भी सारे फेस्टिवल्स होते हैं तो फेस्टिवल्स में जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह उनके परमिशन के उसके निर्देशन के अनुसार किया जाता है. प्रभु जी जो हमारे डेटी वर्शिप डिपार्टमेंट है हमारा विक्रम की सेवा उनके इंचार्ज हैं. उनके अंडर में हम सब जितने भी पुजारी हैं सेवा करते रहते हैं. और हमारे जो यहाँ पे आश्रम डिवोटीज लोग हैं बहुत सारे आश्रम से तो उस आश्रम में जा जाकर वे प्रचार करते रहते हैं.
और उनका एक सुपुत्र है सुदानंद राम प्रभु, रामदास प्रभु, जो सब जानते हैं हमारे रंगेश प्रभु जी को। हरे कृष्णा प्रभु, एक करेक्शन है, सदानंद रामचंद्र दास। ओह सॉरी, सदानंद रामचंद्र दास, सदानंद रामचंद्र प्रभु की जय। थैंक यू। रामदास बोलेगा तो एक ही रामदास है दुबई में। थैंक यू अप्पा। हरे कृष्णा, ओवर टू यू। थैंक यू। हरे कृष्णा। शुरू कर सकते हैं? यस यस प्लीज। अरे जय राध माधव, जय कुंज बिहारी, जय राध माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरंजन, जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरंजन, जय यमुनातीरवनचारी, जय कुंजबिहारी, जय यमुनातीरवनचारी, जय कुंजबिहारी, जय राध माधव, जय कुंजबिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन कलाशया कस्तुरुन्नीतमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाम्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साज्ञातं सर्वगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्री राधा कृष्ण पादां परगण विदिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत, नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघेति गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं वीरतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति जयप्रताकस्वामिनामने, महाचलपदाय नित्याय कृपाप्रदायिने, गौरकथादावदाय नगरग्रामतारिणे। हरे कृष्णा। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मौतिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री वरिप्रेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागतम। आज श्रीमद् भागवतम नित्यम भागवत सेवा में आज हम लोग देखने का है श्रीमद् भागवतम में भगवान का पद कमल का समान है, सॉरी भगवान का कमल मुख का समान है, ये दसम स्कंध है। ये इसमें दसम स्कंध में अध्याय में हम लोग 61 में 61 आद अध्याय के अंदर श्लोका संख्या 25। ये अध्याय का टाइटल है बलदेव ने रुक्मी को वध किया हुआ। हरे कृष्ण। ये थोड़ा कथा बहुत सुंदर है। यहाँ ये क्या नाम है हमारा रुक्मी का, दो प्रकार का स्वभाव होता है, क्योंकि वो तो भौतिक जगत में है, ऐसी वो इतना भौतिकतावादी भी है, राइट। एक तरफ अपना बहन को इतना प्यार करता है, मगर उनका पति भगवान श्री कृष्ण उनके साथ इतना एकदम द्वेष रखता है दो प्रकार का ऐसी व्यक्ति है। मगर क्या हुआ, इनका जो द्वेष बढ़कर इनका बहन का ऊपर जो प्यार है एकदम ज्यादा है, राइट। इसका ऐसी स्वभाव है, मगर इसका एकदम इतना गड़बड़ का कारण क्या है। सबसे पहला इनका जो संगत, क्योंकि सबसे पहला हम लोग देखना चाहिए संघ का बारे में, राइट। कोई भी व्यक्ति है, किसी को हम लोग परिचय कराता है, राइट, उसी समय क्या बोलना चाहिए, ओ ऐसे ऐसे भक्त है, इसका नाम है, और ऐसे ऐसे भक्त के साथ उन्होंने हमेशा रहता है, ऐसे बोलेगा तो क्या होता है, उनका असली स्वभाव मालूम हो जाता है, क्योंकि जैसी हम का संघ प्राप्त है वैसी हमारा स्वभाव भी बनता है। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, हमेशा अच्छा संघ हमेशा लेने के लिए इच्छा करना चाहिए। हरे कृष्ण। श्लोका संख्या 25। दौहित्र्या दौहित्राय अनिरुद्धाय दौहित्राय अनिरुद्धाय पौत्री रुक्मी आददात् दरेः पौत्री रुक्मी आददात् धरेः रोचनां बद्धवैरूपी रोचनां बद्धवैरूपी स्वसुः प्रियचिकीर्षया स्वसुः प्रियचिकीर्षया जानन् अधर्मं तद्यौनं जानन् अधर्मं तद्यौनं स्नेहपाशानुबन्धनः स्नेहपाशानुबन्धनः। दौहित्रा अनिरुद्धाय पौत्रीं रुक्मी आददात् तरेः रोचनां बद्धवैरूपी स्वसुः प्रियचिकीर्षया जानन् अधर्मं तद्यौनम् स्नेहपाशानुबन्धनः। इसमें जो लिखा है वैरोपी, वैरोपी बोलेगा तो द्वेष, मगर उसके पहले क्या है, उसको जो ससुः प्रिय चिकीर्षया, मतलब उनका बहन के ऊपर इतना एकदम प्यार है, उसके वजह से उन्होंने बहुत कुछ कार्य करता है। हरे कृष्ण। अच्छा, शब्दार्थ पढ़ने के लिए दीपक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। मैं स्टार्ट करती हूँ। शब्दार्थ शिला प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। जय शिला प्रभुपाद। दौहित्राय अपने पुत्री के पुत्र, अनिरुद्धाय अनिरुद्ध के लिए, पौत्रीम अपने पौत्री को रुक्मी, रुक्मी ने आददात दे दिया, हरे हे भगवान कृष्ण के रोचा नाम रोचना नामक बद्ध बंधा हुआ वैर्या शत्रुता में, अपि यद्यपि स्वसुः अपनी बहन प्रिय चिकित्साया प्रसन्न करने की इच्छा से जानन जानते हुए अधर्मम अधर्म को
तत् वह यौनम विवाह स्नेह स्नेह की पाश रस्सियों से अनुबंधनः जिसका बंधन। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद पढ़िए। अनुवाद। रुक्मी ने अपने पौत्री रोचना को अपनी कन्या के पुत्र अनिरुद्ध को दे दिया। यद्यपि भगवान हरि से उसकी घोर शत्रुता थी, इस विवाह को अधार्मिक मानते हुए भी रुक्मी स्नेह बंधन से बंध कर अपनी बहन को प्रसन्न करने का इच्छुक था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ देख सकते हैं रुक्मी अपना पौत्री को किसको दिया? दौहित्र को दिया है, राइट? सॉरी अपना दौहित्र बोलेगा तो कौन है? अनिरुद्ध, राइट? पुत्री का पुत्र। उसके बाद उन्होंने क्या किया? अपना पौत्री को, मतलब उनका पोती को दे दिया शादी में, राइट? इसका मतलब यहाँ देख सकते हैं, आगे तात्पर्य भी बहुत सुंदर टीका है श्रीधर स्वामी का, मगर यहाँ रुक्मी का जो मन में एक विचार था, क्योंकि ये तो आधार्मिक है, शब्द में आ गया, तो यहाँ देखिए व्यासदेव ने क्या बता रहे, जानन मतलब जानता है, अधर्म मतलब धर्म के विरुद्ध है। मगर इन्होंने जो सोचा है अधर्म, क्योंकि उनका मन में अलग विचार है, आगे हम लोगों को देख सकते हैं तात्पर्य में प्रभुपाद सीधा बताता है। मगर ये जो व्यक्ति को इतना भौतिक विषय में आसक्ति है, राइट, उनको ऐसी उल्टा कुछ सोच सकते जो शास्त्र का अनुसार, शास्त्र में जो लिखा है उन्होंने पूरी तरह से स्वीकार नहीं करेगा, इन्होंने अलग कुछ उसमें से समझकर और कुछ बताएगा, क्योंकि इसमें लिखा है स्नेह पाश अनुबंधन, मतलब इतना स्ट्रांग है उनका बंधन, तो बंधन को तोड़ना मुश्किल हो गया, राइट? सो उसके वजह से उन्होंने क्या किया, अपना पोती को, पोता को शादी के लिए दिया। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, उनका पोती का नाम है रोचना और वो दौहित्र का नाम है अनिरुद्ध। हरे कृष्ण। तात्पर्य शुरू कीजिए माता जी, एक पैराग्राफ पढ़िए, रुकिए फिर आगे पढ़ सकते जी। प्रभु जी, शिला श्रीधर स्वामी कहते हैं कि लौकिक मानदंडों के अनुसार अपनी प्रिय पौत्री अपने कट्टर शत्रु के पौत्र को नहीं देनी चाहिए। इस तरह हमें यह आदेश प्राप्त होता है, द्विषत अनमना भक्त्यव्ययम् दिवि संतम नैव भोजयते। मनुष्य को चाहिए कि ना तो शत्रु का भोजन करे ना शत्रु को खिलाए। इसके अतिरिक्त भी निषेध है, अस्वर्गयम् लोका विधिविष्टम् धारयम् अपि आचरेण नातु। स्वर्ग की यात्रा को रोकने वाले या मानव समाज के लिए नित्य धार्मिक आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए। यहाँ ये इंगित किया कर दिया जाए कि भगवान कृष्ण वास्तव में किसी के भी शत्रु नहीं है, जैसा कि भगवद गीता 5.29 में भगवान कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातवानाम शांतिम ऋच्छति। यह समझकर कि मैं हर जीव का शुभ चिंतक मित्र हूँ, मनुष्य शांति प्राप्त कर सकता है। यद्यपि भगवान कृष्ण हरेक के मित्र हैं, किंतु रुक्मी इसे नहीं समझ सका और वह भगवान कृष्ण को अपना शत्रु मानता रहा। फिर भी अपनी बहन के स्नेहवश उसने अपनी पौत्री का विवाह अनिरुद्ध के साथ कर दिया। उपर्युक्त निषेध के बावजूद हमें ध्यान देना होगा कि आध्यात्मिक जीवन का मूलभूत सिद्धांतों का परित्याग इसीलिए नहीं करना चाहिए कि ऐसे सिद्धांत आम जनता में लोकप्रिय नहीं है। जैसा कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता 18.66 में कहा है, सर्व धर्मान परित्यजे माम एकम शरणम रजा। आध्यात्मिक कर्तव्यों में परम कर्तव्य है भगवान की शरणागति, और वह कर्तव्य बाकी सभी आदेशों के ऊपर है। यही नहीं, इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक ऐसी शुद्ध विधि प्रदान की है जो समस्त निष्ठावान व्यक्तियों को भगवान की शरण में जाने के लिए आकृष्ट करेगी। चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन,
नृत्य भोज तथा दर्शन की विवेचना वाली आनंदपूर्ण विधि का पालन करके कोई भी व्यक्ति आनंद तथा ज्ञानमय जीवन बिताने के लिए सुगमता से भगवत धाम जा सकता है। यह दलील पेश कर सकता है कि कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के सदस्यों को पाश्चात्य देशों में उन उत्सवों या कार्यकलापों का अभ्यास नहीं करना चाहिए जो आम जनता को अप्रसन्न करते हो। इस पर हमारा उत्तर यह है कि यदि कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के कार्यकलापों को पाश्चात्य देशों के लोगों के समक्ष ठीक से रखा जाए तो वे इस महान आध्यात्मिक संगठन की प्रशंसा करेंगे। जो लोग ईश्वर से विशेष रूप से द्वेष रखते हैं उन्हें किसी भी तरह का धार्मिक आंदोलन नहीं भाएगा। चूंकि ऐसे लोग शुद्र पक्षियों के तुल्य हैं, अतः वे महान कृष्ण भावनामृत आंदोलन में बाधक नहीं हो सकते। जिस तरह ईर्ष्यालु रुक्मी भगवान कृष्ण की शुद्ध लीलाओं में बाधक नहीं बन सका। हरे कृष्ण प्रभु जी तन्मृतनाम। यहाँ हम लोग एक एक पैराग्राफ में समझ सकते कैसे ये तात्पर्य में लेके गया हमको। अंत में ये कृष्ण भावनामृत का महत्व है, मतलब शास्त्रीय विधि विधान को देखने के लिए। सबसे पहला उन्होंने बताता, श्रीधर स्वामी ने एक विषय बताता है, ये जो लिखा है इसमें याद रखना चाहिए। सबसे पहला क्या लिखा है, भौतिकतावादी के बारे में लिखा है, राइट। अंग्रेजी में लिखा है worldly standards, मतलब भौतिकतावादी। अभी देखिए हम लोग तो साधारण व्यक्ति है, ऐसे बड़ो बड़ो मिलियनर वाला है उनके पास अलग स्टाइल होगा कुछ, राइट। वो उनका समाज में अलग अलग स्टाइल में कुछ कर सकते हैं, वो लोग बोलेगा यही यहाँ विधि विधान, राइट। मगर इसमें इनमें हम लोगों को देखना चाहिए, श्रीधर स्वामी वही बताता है, वहां एक विषय हमेशा होता है, उसमें क्या लिखते हैं, दिवशन्नम न भोक्तव्यम दिविशंतम नैव भोजयेत। मतलब हम लोग कभी भी हमारा शत्रु का घर पे भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, राइट। आगे लिखता है ऐसी शत्रु को भोजन नहीं खिलाना चाहिए, राइट। ये दोनों शब्द देखेगा तो हम लोगों को तुरंत एक विशेष शास्त्र का अनुसार जो बता है बहुत सुंदर है उसको देख सकते हैं। यहाँ क्यों ये श्रीधर स्वामी ने ये टीका दिया है, क्योंकि ये भौतिकतावादी का मन में हमेशा दो चीज होता है, वो तो हमेशा प्रकृति का नियम का अंदर है, राइट। क्या कारण है, तीन गुणों से हमेशा फंसा हुआ, उनको कोई दोस्त होता है कोई द्वेष शत्रु भी होता है, इसके वजह से ये उनको हमेशा अप्लाई होता है। मगर देखिए एक वैष्णव को कभी भी किसी के ऊपर द्वेष नहीं है, सभी के ऊपर उन्होंने प्यार करने वाला, क्योंकि ऐसी वैष्णव को और भी मन में क्या होता है, परा दुख दुखी होता है, राइट। परा दुख दुखी बोलेगा तो दूसरों को कुछ संकट आ गया तो इनको हमेशा चिंतन होता है। यहाँ ये लोग तो हमेशा क्या होता है, किसी के ऊपर द्वेष होता है उसको आगे छोड़ेगा नहीं, आगे बढ़ने के लिए भी नहीं देगा। अभी जितना भी धन है, जितना भी वो जो भौतिकतावादी है, राइट, वो लोग क्या होता है, दूसरे के ऊपर ये द्वेष कैसे बनता है, हमेशा ईर्ष्या का वजह से, राइट। अगर ईर्ष्या नहीं है तो कैसे होगा द्वेष, तो नहीं होगा, राइट। आप देखिए हर जगह पे किसी के ऊपर कोई को द्वेष होगा तो कारण पूछो, हो वो मेरे से बढ़कर है, मेरे को उसके ऊपर ईर्ष्या है। ईर्ष्या तो एकदम बेकार चीज है, हमारा आध्यात्मिक विकास के लिए वो हमेशा क्या होता है, रुकावट। इसलिए हम लोग यहां देखना चाहिए, जैसे ही उपदेश अमृता में बताता है, क्या बताता है, भोजयते भुंक्ते भोजयते चैव, क्या होता है, भुंक्ते भोजयते चैव। वहां कैसे बताता है, भुंक्ते मतलब जाके हमारा भक्त का घर पे और हमारा रिश्तेदार का घर पे जाके प्रसाद ग्रहण कीजिए, राइट। आगे क्या बताता है, वो आएगा तो
उसको खिला राइट ददाति प्रतिगृह्णाति भूयम आख्याति प्रच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्वितं प्रीति लक्षणम्। कैसे बताता रूप गोस्वामी ने, छह प्रकार का वैष्णव का विशेष प्रेम लक्षण राइट, प्रेम का लक्षण, क्योंकि उनको हमेशा सबके ऊपर प्रेमी होता है राइट। ये देखा है जैसी द्वेष नहीं है राइट, रुक्मि का द्वेष था किसके ऊपर, भगवान के ऊपर राइट, मगर उनका बहन के ऊपर क्या हुआ, इतना प्रेम है। मगर वैष्णव कैसे नहीं थे, सबके ऊपर समान रखते हैं राइट, समदर्शिना राइट। सो यहाँ ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आस्याति प्रच्छति, ददाति मतलब दान दे दो, प्रतिगृह्णाति और उससे भेंट भी स्वीकार करो, गुह्यम मतलब जितना भी हमको रहस्य है, आख्यात आख्याति प्रच्छति, आख्याति मतलब खोल के उनको समझा दो राइट, हमारा रहस्य को उससे भी पूछ लो। ये दोनों में और पहला भी जो है उसमें भी देखना चाहिए, जब भी हम लोग जाके कुछ भेंट देगा तो उन्होंने आनंद से स्वीकार करेगा, अगर वैष्णव होगा तो। अगर वैष्णव नहीं होगा तो क्या बोलेगा, ओ ये छोटा मोटा चीज लेके आया हमारा दान के लिए राइट, मगर ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए ददाति प्रतिगृह्णाति, देना लेना दोनों भी प्यार से लेने के राइट, उसका जो भौतिक वैल्यू देखेगा तो गड़बड़ है, मगर उसका अंदर जो प्यार है हृदय के अंदर राइट, एक व्यक्ति के ऊपर वो श्रेष्ठ है। आगे देखिए गुह्यम आख्यादि प्रचिति, ये और एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों देखिए, अभी हमारा ऊपर कुछ रहस्य है राइट, हम हमारा बहुत दोस्त लोगों को बताते हैं, जैसी परमानंद को बताता है और कोई कोई को बताता है, मतलब इसका क्या है, हमारा ऊपर जो रहस्य है कोई कोई स्नेह जितना है उनके साथ हम लोग खोल के बताते हैं, मगर वो व्यक्ति का करना चाहिए, उसको रहस्य को हमेशा रखना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए, अगर बता दिया होगा तो क्या होता है, वो वैष्णव राइट, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रजल्पा बोलते हैं राइट। सो गुह्या माँ क्या अधिपति, उनसे दूसरों से आके बताएगा तो भी क्या होता है, कोई कोई अभी हमारा सत्संग भी क्या होता है, कोई कोई भक्त आके हमसे बताते हैं प्रभु प्रभु ऐसा माँ करता है, होगा ये हो गया, आप कुछ आइडिया बताते, मतलब उसी समय क्या करना चाहिए, हम लोग इतना प्यार से उनको मन में हित के लिए जो चाहिए वही बताना चाहिए राइट, वो कुटुंब में अच्छी तरह से वो सब भक्ति में बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए वही बताना चाहिए, उसका बीच में कुछ द्वेष को हम लोग बीच में नहीं रखना चाहिए। सो ऐसी बहुत कुछ हम लोगों को देखता है, गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी देखिए आजकल बड़ा बड़ा पार्टी होता है राइट, भौतिकतावादी हाँ, वो लोग क्या करता है, अपना प्रिय को बुलाता है, दूसरों को नहीं बुलाता है, क्या कारण है, ओ मेरा दुश्मन है यार, वो उसको क्यों बुला राइट, वो कभी भी सुधरेगा नहीं, क्योंकि वो लोग को शास्त्र के अनुसार मालूम नहीं है, वो लोग तो कृष्ण भावना अमृत में आने का मुश्किल है, क्योंकि उन लोगों को मन नहीं है, बस इतना ही। फिर यहाँ देखिए भुंक्ते भोजयते, एक वैष्णव क्या करेगा, सबको बुलाएगा हाँ प्रसाद के लिए राइट, सबको अच्छी तरह से खिलाएगा, प्यार से खिलाएगा राइट, और उनका घर पे जाएगा तो भी उन्होंने पूछ के खाएगा राइट। मैं कभी कभी ऐसा करता है, मेरा पत्नी भी बोली है प्रभु प्रभु यू ऐसे क्यों बता रहा सबको, क्योंकि इसमें क्या है, हम लोग दूसरों के घर से हम लोग प्रसाद ग्रहण करेगा तो उनको भी आनंद होता है, हमको भी आनंद होता है राइट। तो इसलिए प्रसाद खिलाना ग्रहण करना दोनों इम्पोर्टेंट। अभी वो क्या हो गया, छह प्रकार का षट विधि, षट मतलब छह प्रकार का प्रीति लक्षण, प्रेम का लक्षण। ऐसी टॉपिक यहाँ सूटने होता है किसके ऊपर, रुक्मी के ऊपर, रुक्मी को मन में क्या द्वेष है, इसलिए उन्होंने क्या कहते हैं, द्वेष का घर पे कभी भी भोजन नहीं लेने का है, द्वेष को भी कभी भी हम लोग ये नहीं खिलाने का है राइट। इसलिए शत्रु उसको मन में हमेशा रहता है, क्या कारण है, ईर्ष्या करने से राइट। आगे इसमें भी और एक विषय बताता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पहला जो बता दिया ठीक है, उसके आगे उन्होंने बताता है, देयर इज आल्सो द फॉलोइंग प्रोहिबिशन, ये समाज में, कौन सा समाज में, ये भौतिकतावादी समाज का अंदर राइट, जिनको भेद होता है उनका मन में ये होता है, उसमें क्या कहता है, ऐश्वर्य से
अस्वर्ग्यम क्या लिखा है, अस्वर्ग्यम लोक विद्विष्टम धर्मम अपि आचरेन न तू। इन लोगों को उद्देश्य है स्व इच्छा के ऊपर ज्यादा है, यही प्रॉब्लम है। अभी रुक्मी जो भी है ऐसे ही भौतिकतावाद के क्या होता है, स्व इच्छा को पूर्ति करना है, हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ना सेल्फिश, उसके लिए कुछ भी करेगा, राइट। ये गलत बात है, राइट। हम लोग दूसरों को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए, दूसरों को कभी भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, ऐसी बहुत कुछ है, राइट। ये तो भक्त का लक्षण है, यहाँ भक्त का लक्षण ऐसे नहीं। यहाँ क्या लिखता है, उन्होंने क्या लिखता है, एक व्यक्ति जो शास्त्र के अनुसार लिखा है वो विधि विधान को छोड़ सकते हैं, अगर उनको स्वर्ग जाने का रुकावट होगा तो बीच में, राइट। अभी देखिए कोई के व्यक्ति को स्वर्ग जाना चाहिए, राइट, मगर बीच में कुछ शास्त्रिक नियम है उसको छोड़ देगा तो क्या होता है, लोगों को प्रॉब्लम होता है, ओ मैं स्वर्ग जाना चाहिए, ये शास्त्र का नियम को तोड़ दो, फिर तोड़ के आगे उन्होंने क्या करेगा, उनका एक ही चिंतन है मैं स्वर्ग पहुंचना चाहिए, वहां आके आनंद करना, राइट। जितना भी इंद्रिय तृप्ति है पूरी तरह से भोगना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को क्या होएगा, ये शास्त्र के अनुसार कुछ होता ही नहीं है। आगे लिखता है इसमें प्रभु, वापस दिखा सकते हैं हरे कृष्णा, आगे इसमें लिखता है उन्होंने है क्या करेगा, समाज में सबको बाधा होएगा तो उन्होंने क्या करेगा, उसको भी उन्होंने कभी भी देखेगा नहीं, क्या कारण है इसमें वही लिखता है। एंड इसमें लिखता है ना, इफ दे विल अपसेट वंस जर्नी टू हेवन आर इफ दे आर ओडियस टू ह्यूमन सोसाइटी, ओडियस टू ह्यूमन सोसाइटी मतलब समाज को इतना दुख देने वाला है, समाज को इतना उन्होंने निंदा करने के जैसे, राइट, वो नहीं कर सकते, मगर ये लोग करेगा क्योंकि वो लोग को अपना उद्देश्य को पूर्ति करना है, राइट। कोई भी रुकावट आएगा तो उसको तोड़। अभी देखिए आजकल बहुत जो व्यापारी है बड़ा बड़ा, हमेशा बोलता है ना मल्टीनेशनल कंपनीज, वो लोग ऐसी मन में होता है, वहां जो सेवा करता है जो जॉब करता है वो लोग को भी मन में ऐसी ही लगा देता है, इसलिए वो लोग क्या करता है, हमारा कॉम्पिटिटर को उड़ा दो कैसे भी कोई भी रास्ता में है, मगर उन लोगों को क्या है, अपना धंधा अच्छा चलना चाहिए, राइट, हमारा लाभ बढ़ाने का है और कुछ नहीं सोचेगा, राइट, नहीं ये करेगा तो समाज को इससे तकलीफ है, वो करेगा तो इससे समाज को तकलीफ है, वो सोचेगा नहीं। अभी इतना क्यों बोलने का है, अभी देखिए जो आया था कोरोना वायरस, राइट, इसमें लोगों ने बहुत कुछ पीछे कहता है मगर सच कितना पता नहीं, कोई कोई ऐसी फैला दिया, फिर उसके बाद जितना भी दवाई कंपनी को धंधा मिलने के लिए सब कुछ किया है, बहुत कुछ बताता है। तो इसमें से क्या मालूम आता है, आजकल कलयुग है, कलयुग का प्रभाव ऐसी होता है, राइट, वो लोग क्या कहता है, हमेशा हमको चाहिए पैसा पैसा पैसा, राइट। ऐसे भौतिकतावादी कुछ देखेगा नहीं शास्त्र का अनुसरण करने के लिए विधि विधान, मगर वो लोग उनको जो अनुकूल है वो लेगा, राइट। ऐसी व्यक्ति को क्या बोल सकते हैं, यहाँ ये तो प्रभुपाद का शिष्य बताता है, सबसे पहला श्रीधर स्वामी का क्या लिखता है, सबसे पहला वर्ल्डली स्टैंडर्ड, वर्ल्डली स्टैंडर्ड मतलब उनको क्या होता है, हमेशा मैं बड़ा धनी में 10 नंबर के अंदर आना चाहिए मेरा नाम, राइट, नाम नहीं लूंगा, इंडिया में 2-3 है वो लोग का अंदर भी कॉम्पिटिशन होता है, राइट, मगर वो लोगों को उनका मन में ऐसी कुछ स्पेशल होता है, क्या है, पैसा बढ़ाने के समूह में एकदम टॉप में रहना है। ऐसी व्यक्ति को कुछ बोल के फायदा नहीं है क्योंकि वो लोगों को बस शास्त्र का अनुचरण करने के लिए सोचेगा। तो वी कैन अंडरस्टैंड इसमें से क्या मालूम होता है, ऐसी द्वेष किसी के ऊपर नहीं रखना चाहिए। अगर आगे इसमें क्या कहते हैं, स्वर्ग को पहुंचने के लिए, राइट। अभी एक भक्त का उद्देश्य क्या होता है, भगवत धाम लौटने का, वो कभी भी सोचता नहीं है ओ मैं तो स्वर्ग जाना चाहिए ऐसे, मगर भक्त कैसे मानता है, स्वर्ग नरक दोनों को समान, समदर्शन, राइट,
तो यहाँ ये लोग ऐसे नहीं है, मेरे को इंद्रिय तृप्ति चाहिए, मेरे को जितना हो सकता है पूरा इंद्रिय तृप्ति उड़ाने का। रे प्रभुपाद हमेशा बार बार वो लिखते सेंस ग्रेटिफिकेशन से। क्या कारण है? ये लोगों को हमेशा आध्यात्मिक तट पर आना मुश्किल है, क्योंकि हमेशा ये लोग दो गुण में हमेशा प्रवृत्ति होता है। क्या है? एक तो रजोगुण है, दूसरा तो तमोगुण है, कभी भी सत्वगुण में भी नहीं आता है। ऐसे व्यक्ति को जाके क्या बता सकते हैं, राइट? इसलिए ये चीज में हम लोग याद रखना चाहिए। इसमें अनुवाद में क्या लिखता है, वन शुड नॉट एग्जीक्यूट रिलीजियस इंजंक्शन। ये कैसे हो सकते हैं, राइट? शास्त्र में विधि विधान लिखा है, उसको अनुचरण करने के लिए लिखा है, राइट? उसको तोड़ने के लिए नहीं है। मगर ये लोग क्या करेगा, उसको तोड़ देगा। क्यों? उसका उद्देश्य ये हमको स्वर्ग पहुंचना है। आगे ये भी लिखता है, अगर समाज को कुछ प्रॉब्लम आएगा तो परवाह नहीं, मेरे को जाना चाहिए, राइट? So we can understand the intention of a pure Vaishnava or एक भौतिकतावादी। ये पहला पैराग्राफ में हमको दो चीज मालूम होते हैं, एक भौतिकतावादी और एक श्रेष्ठ वैष्णव के बारे में, राइट? आगे देखेंगे, यहाँ पैराग्राफ में बहुत सुंदर वर्णन है। यहाँ क्या बताता है, भगवान का असली विशेष दिव्य गुण के बारे में बताता है। क्या बताता है? सुहृदम सर्वभूताना। रुक्मी को अपने मन में मेरा शत्रु है भगवान श्री कृष्ण करके वही सोचा था, मगर कभी भी भगवान ऐसी कभी भी सोचा नहीं है, राइट? कोई भी परिस्थिति में, क्योंकि जैसी रुक्मिणी को उठा के लेके आया दुर्गा मंदिर से, जितना ये लोग रोकने के लिए कोशिश किया है उसको, बहुत कुछ स्टॉप करने के लिए कोशिश किया, मगर भगवान बहुत आसानी से उनको लेके आए। कभी भी वो तभी भी उन्होंने इसको ऊपर द्वेष नहीं रखा। उनको चाहिए था रुक्मिणी को विवाह करना बस, क्योंकि रुक्मिणी इनको चाहती है। किसको? भगवान को चाहती है। क्योंकि भागवत में प्रभुपाद बहुत जगह पे लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने 12,108 पत्नियों को शादी किया है, हर एक शादी में भगवान उनको चाहता नहीं है, वो लोग भगवान को चाहता है, राइट? यही है स्पेशल भगवान का विशेष आकर्षण, कि हर एक स्त्रियों को भगवान का साथ विवाह करने के लिए इच्छा रहता है। इसलिए हम लोग बोलते ना, कात्यायनी महामाई महायोगी नतीश्वरी नंद गोप सुधव देवी पति में ठीक है। यहाँ भगवान का विशेष गुण क्या है, यहाँ कभी भी उन्होंने सोचा नहीं है ये मेरा विरोधी करके, राइट? आगे सुहृदम सर्वभूतानाम, वो स्पष्ट करने के लिए यहाँ एक श्लोक भी बता दिया। भगवद गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं सुहृदम, सुहृदम मतलब वेलविशर, मतलब हमारा हित के लिए जो भी करना है वही सोचेगा, राइट? उसमें क्या लिखते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। देखिए पूरा तीनों लोगों को स्वामी है। कुछ दिन के पहले हम लोग और एक कुछ श्लोक देखा था उसमें मलयालम क्लास में, उसमें कुंद माला में कुलशेखर आडवाणी ने बताता है, जो भौतिकतावादी को कभी भी मालूम नहीं होता है सबसे बड़ा एक नियंता है, वो तीनों लोगों को स्वामी है, उसको समझना कष्ट है। क्यों? उनको भौतिक विषय में आसक्ति इतना स्ट्रांग है। ये श्लोक में भी बताता ना, स्नेह पाशम अनुबंधन, राइट? यहाँ भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति मृच्छति मतलब उन्होंने हमेशा आनंद में रहता है। क्या कारण है? उनको मन में मालूम होता है ये भगवान श्री कृष्ण साहब के हरे को सुहृद है, हमको हमेशा क्या करने वाला, हित देने वाला है, दुख देने वाला नहीं है। दुख कैसे आता है? हमको अपना आप खरीद देते हैं, राइट? क्या कारण है? इंद्रिय भोग के लिए हम लोग बहुत कोशिश करते हैं और कोई कोई जगह पे हम लोग शास्त्र को तोड़ के और इंद्रिय तृप्ति को पूर्ति करते हैं, इसके वजह से हम लोगों को क्या होता है, दुख अपने आप खरीद देता है। मगर कभी भी भगवान ऐसे नहीं है, भगवान हमेशा वो सलाह देता है ये गड़बड़ है तो मत करो, मगर हम लोग सुनने वाला नहीं है। इसलिए हाँ सुहृदम सर्वभूतानाम, हर एक जीव जाल को सुहृद वही है और कोई नहीं। सच कह रहा हूँ, हम लोग कभी भी बोलते हैं गृहस्थ आश्रम आने के बाद हमको ये है सुहृद है, ये हमारा बेटा बेटी ये सब सुहृद है, ये तो कुछ काल के लिए हमेशा के लिए सुहृद नहीं है, राइट? ये सुहृद में क्या होता है, कभी कभी
एक्सपेक्टेशन भी होता है, मगर भगवान का तरफ से कभी भी सुहूर्त बोलेगा तो टॉप क्लास होता है, राइट। अब अभी देखिए, भगवान हर एक व्यक्ति कभी मेरे पास वापस लौटेगा करके उन्होंने सोचने वाला है, इससे बढ़कर और कोई होगा क्या सुहूर्त, राइट। मगर हम लोग सोचते हैं यहाँ रहेंगे, यहाँ आनंद करेंगे, हाँ मतलब इंद्रिय तृप्ति करेंगे, हम लोग सोचते यही शाश्वत है, मगर यहाँ तो भगवद्गीता बताते अशाश्वत है। मगर भगवान बताते फिर साथ साथ हमको सलाह भी देता है, आ जाओ जल्दी आ जाओ, राइट। मगर जाके उनको छोटा मोटा चीज मांगने के लिए होता है इच्छा, फिर भी उन्होंने देता है ठीक है वो करें। हर बार उन्होंने देखते हैं ये चांस में कभी कभी वापस आएगा, ये इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, मगर फिर भी हम लोगों को मन क्या होता है, भगवान के ऊपर स्मरण नहीं होता वापस, राइट। ये श्लोक में, ये पैराग्राफ में इसलिए यहाँ सीख सकते हैं भगवान हर एक को सुहूर्त है। इसके अलावा भी और एक श्लोक है भगवद्गीता में, समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्योस्ति न प्रियः। उसमें क्या कहते हैं भगवान ने, समोहम सर्वभूतेषु हर एक जीव के ऊपर न द्वेष, द्वेष नहीं है किसी को, न प्रिय अति प्रिय कोई नहीं, राइट। इसका मतलब यहां देख सकते हैं समभावना रहता है भगवान का मन में। सो यहां रुक्मी का जो मन में विचार और उनका जो सोचता वो गलत है, भगवान कभी भी उसका ऊपर द्वेष नहीं रखा है, राइट। मगर उनका हित के लिए बहुत कुछ करने के लिए कोशिश किया, मगर उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। क्या कारण है, उसका मूल कारण इतना ही है, उनका दोस्त लोग पूरा द्वेषी है भगवान का, असत संग, राइट। चैतन्य महाप्रभु बोलते ना असत संग को छोड़ दो, राइट। ये अभिलाष, ये अभिलाष बोलता है, उसमें क्या बताता है, हम लोग बस यही लेना चाहिए, सत्संग लेने चाहिए, सत्संग में रहना चाहिए, उसके अलावा दूसरा जगह पे जाएगा तो पक्का है हम लोगों को दुख तो पहुंचने वाला है। आगे ये लिखा है इसमें, रुक्मी को ये अभ्यास करना मुश्किल हो गया क्योंकि वो इसके बारे में मालूम नहीं है भगवान, मगर उन्होंने सोचा था एक तो और एक व्यक्ति है करते, ये गलत बात भी है, इसलिए बोलता है ना अवजानंती मामूढ़ा, ये मूड है कौन है, रुक्मी ने, राइट। मगर उनका बहन के ऊपर इतना प्यार, इतना प्रेम है, उन्होंने क्या किया, उसको प्रसन्न करने के लिए कोशिश किया है। क्या होता है, दुर्बुद्धि आएगा तो बोल नहीं सकते किसको प्रसन्न करना है, किसको हम लोग प्रसन्न नहीं करना चाहिए। यहाँ उनको गड़बड़ क्या हुआ बहन के ऊपर प्रसन्न किया है मगर भगवान के ऊपर, राइट। सो यहाँ रुक्मी को एकदम इतना उल्टा चिंतन है, राइट। इसमें एक विषय याद रखना, रुक्मी अगर भगवान के साथ अच्छा व्यवहार किया होगा तो रुक्मी ने इतना तकलीफ नहीं उठाना चाहिए। सबसे पहला गड़बड़ क्या है, उन्होंने दोस्त लोग का सब लिस्ट देखेगा तो पूरा आसुरिक स्वभाव है, वही आसुरिक प्रभाव इसके ऊपर भी हो गया। यही अध्याय में देख सकते, आगे भगवान बलराम के साथ उन्होंने खेलते हुए उनको इतना धोखा दिया है, फिर भगवान बलराम ने क्रोधित होकर उसको उसी समय अपना हल से उसको मार डाला। तो यही कारण है, उसी समय भी हम लोग देख सकते हैं वहां उनके साथ एक राजा था कलिंग, कलिंग देश का राजा, उन्होंने इतना हंस रहा था किसके ऊपर, भगवान बलदेव के ऊपर, उतना बड़ा बड़ा दिखा के दांत दिखा के, फिर भगवान क्या किया, उनका दांत सबको भी तोड़ दिया। हम लोग बोलते ना कभी कभी गुस्से में बोलते ना, तुम्हारा बक्तीस दांत को तोड़ देगा करके बोलते ना, मगर यहाँ तो लिखा है भगवान बलराम ने एक थप्पड़ दिया, मतलब एक मारा था उन्होंने, जितना भी दांत पूरा गिर दिया बोलते हैं। सो वी कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज हाउ टू टेक संगा। सो ये कलिंगा राजा तो एकदम द्वेष था भगवान के ऊपर, हरे कृष्ण। और लास्ट में ये पैराग्राफ में बहुत सुंदर वर्णन है, यहाँ बताता है हम लोग ज्ञान पूर्वक यहाँ देखना चाहिए, ऊपर जो लिखा है रुकावट, राइट, उसको हम लोग क्या करना चाहिए, शास्त्र का अनुसार नहीं है, भौतिकवादी का बीच में ही होता है, राइट।
ऐसे विषय को हम लोग क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को आध्यात्मिक जीवन को जो सहायता करने वाले को हम लोग स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है वापस भगवत धाम लौटने का है, राइट। इसलिए यहाँ देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अच्छी तरह से पूरा भगवान अर्जुन को सब समझा के लास्ट में ये श्लोक में रख दिया। इसलिए श्री वैष्णव लोग बोलते हैं लोगों ये श्लोक को शर्म श्लोक बोलते, शर्म श्लोक बोलेगा तो पूरा सार उसका अंदर होता है। भगवद गीता का पूरा सार क्या हुआ, सर्वधर्मान परित्यज, राइट। ऐसे हम लोग स्थान में आने के बाद बहुत भक्तों को पूछता है प्रभु प्रभु मेरा कुल देवता को क्या करूं, मैं इतना ग्राम में ये देवता है वो देवता है सबको प्रीति करना है, राइट। मगर वो तो हमारा कुल में कुछ शुरू हुआ है, मगर शास्त्र क्या कहता है, एक ही है सर्वधर्मान परित्यज, राइट। भगवान श्री कृष्ण को हम लोग क्या करना चाहिए, शरणागति करना चाहिए। मगर ऐसी ऐसी छोटा मोटा चीज हमारा खानदान में हमारा जो कुल में कुटुंब में कुछ होगा तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, मतलब हम लोग मर्यादा देखिए आगे हमारा पूजन आराधना सब कुछ विष्णु को कृष्ण को होना चाहिए। तो यहाँ वही भी बताता है भगवान है सर्वधर्म सारी धर्म को परित्याग करो, क्यों परित्याग करो बताता है भगवान ने यहाँ। देखिए हमको आसक्ति होता है, राइट। कोई कोई समय पे क्या होता है, ओ मेरा तास्त्री ये बताया ये करेगा तो हमारा जो भी अभी चिंतन है जो भी दुख है चला जाएगा, क्योंकि हम लोग पितृ लोगों को बराबर नहीं किया करते, पितृ लोगों को करना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग ज्यादा होगा तो भी कर बताए। इसलिए गीता में भगवान बताता है जो पितृ लोगों को पूजन करने वाला वो पितृ लोग जाएगा, राइट। दो ब्रह्मा को पूजन वाला ब्रह्म लोग जाएगा, मगर मेरे को जो पूजन करने वाला है मेरा लोक में आएगा, मेरा लोक में आएगा तो क्या हो जाएगा, वापस नहीं लौटेगा। तो बुद्धिमान कौन होगा, भगवान का कमल चरण को पकड़। यहाँ इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, क्योंकि एक एक शब्द में इतना व्याख्यान दे सकते हैं। माम मतलब भगवान श्री कृष्ण सिर्फ बोलते हैं और कोई नहीं बोल सकते है, राइट। एकम वो भी वही बोल सकते हैं। ऐसी देखिएगा तो भगवान श्री कृष्ण का कमल चरण को आश्रय लेना बहुत जरूरी, क्योंकि इससे बढ़कर आगे हम लोगों को देख सकते हैं कोई कोई विषय है, राइट। अभी देखा है ना मैंने आपको बताया, राइट, कुल देवता है ये है वो है करके, उसको हम लोग क्या करना चाहिए, सेकेंडरी इंपॉर्टेंस मतलब इतना प्राधान्य नहीं देना चाहिए। इसलिए ये तात्पर्य में क्या लिखते हैं, सेकेंडरी इंपॉर्टेंस सेकेंडरी इंजेंशन, मतलब इसको हम लोग प्राधान्य भगवान श्री कृष्ण को देना है, इसको सेकेंडरी देना। इसलिए मैं आपको बताया बहुत दिन के पहले भी एक विशेष वैष्णव आचार्य आए थे, उन्होंने बताया प्रभुपाद ने जो आंदोलन का नाम रखा है एकदम टॉप क्लास नाम है, उसमें से सबको समझ में आना चाहिए वो आंदोलन के अंदर उनका जो तत्व है एकदम टॉप क्लास है, कृष्ण भावनामृत। हर विषय में उनको क्या होता है, भक्त को भगवान श्री कृष्ण को प्राधान्य रखे, बाकी सबको पीछे हटाता है। यहाँ श्लोक में भी वही बताता है सर्वधर्मान परित्यज्य, बाकी सबको परित्याग करो, आसक्ति मत रखो, क्योंकि आत्मा का जो असली सफलता चाहिए भगवत धाम, ये शरीर को नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ देखना चाहिए चैतन्य महाप्रभु हमारे ऊपर इतना कृपा करके उन्होंने एकदम सरल उपाय बता दिया, और सरल क्या है, बहुत सरल क्या है, भक्ति करो। भक्ति कैसे करो, बहुत और सरल है, राइट। ज्यादा कुछ पर्वत को उठाने का है समुद्र के अंदर घुसने का ऐसे कुछ नहीं है, बहुत आसानी रास्ता बता दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो हरिनाम जाप करके कीर्तन करके आप भगवत धाम लौट सकते हैं, बाकी जितना भी हमारा कुटुंब का जो जितना भी है उसको हम लोग क्या करना चाहिए, पीछे करके हम लोग आगे भक्ति में जाने के लिए सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए हम लोग बाकी करेगा तो क्या होता है, हम लोगों को ये इंपॉर्टेंस भूल जाता है, क्योंकि हम लोगों को सबसे प्राधान्य क्या है, कृष्ण भक्ति, राइट। उसके लिए सब कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं। सो आगे जितना भी वैष्णव आचार्य है नम्बाड़वार श्री संप्रदाय में बताता है हमको एक ही रास्ता है कृष्ण भक्ति, और कुछ नहीं है,
राइट। बाकी जो भी है हम लोग उसको सुनने के लिए भी सीखने के लिए भी मेरे को इच्छा नहीं है, उन्होंने बताता है मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ कृष्ण भक्ति कैसे करना, उसके आगे कैसे करना बस। इसलिए कृष्ण भावना अमृत में जैसे हम लोग प्रवेश किया होगा तो राइट, आगे इसको कैसे करना वही सोचना चाहिए। आगे बाजू में वो हमारा दोस्त इतना मुझको ऊपर मजाक उड़ाता है, मेरा दादा ये हमारे ऊपर गुस्सा करता है, ये सब कुछ हमको इम्पोर्टेंस नहीं है। हमको इम्पोर्टेंस क्या है, कृष्ण भक्ति। इसलिए इसमें लिख रहे हैं हमारे को क्या करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का कमल चरण को प्राप्त करने के लिए हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी भगवान से बढ़कर दयालु है। इसलिए उनको क्या कहते हैं, नमो महावधन्याय। इसलिए क्या किया, उनको मालूम है कलयुग में सभी जीव तो इतना कष्ट उठाना पड़ेगा, उनको सरल उपाय बताएंगे कहते हैं। उन्होंने क्या किया, अवतार लेकर, चन्ना अवतार लेकर उन्होंने क्या बताया, बहुत सरल उपाय बताया। उसमें से क्या प्राप्त कर सकते हैं, हमेशा आनंद। हम लोग इतना दौड़ता है, कमाता है, सब कुछ काय के लिए, आनंद के लिए, मगर क्या फल मिलता है, आनंद नहीं है, क्षणिक सुख मिलता है राइट। यहाँ इसलिए हम लोग सरल उपाय लेकर आगे बढ़ना चाहिए भगवत धाम लौटने के लिए। ये लास्ट पैराग्राफ में बहुत कुछ और इम्पोर्टेंट विषय है, इसमें अभी बताता हूं। और कोई कोई भी तर्क करने वाला है, क्योंकि कलयुग है, छोटा मोटा चीज के लिए भी तर्क करने वाला बहुत है राइट। हम लोग अच्छी तरह से भागवत गीता पढ़ के उसमें आगे करने के लिए कोशिश करेगा तो दो श्लोक आएगा, रिश्तेदार आएगा, ये तुम क्या करता है, गलती करता है, आनंद करो यार, ये करो, ऐसे बोलेगा, मगर ये तो मूर्खता है, बस इतना ही कह सकता है। तो यहाँ उसमें वो लोग क्या कहेगा, आप लोग ये पश्चिम जाके इसको क्यों देने का है, यहाँ का जो लोग है उनको ईर्ष्या है। क्या ईर्ष्या है, पश्चिम लोग में बहुत भक्त लोग बन गया, ये लोगों को ईर्ष्या है, इन लोगों को इतना भक्ति नहीं होता है, क्या कारण है, इन लोगों को हमेशा इतना इंद्रिय तृप्ति का आशा है, मगर उन लोगों को वो सब कुछ परित्याग करके भगवान श्री कृष्ण को ही स्वीकार किया है। बहुत आसानी से प्रभुपाद का जितना भी शिष्य है उनका शिष्य भी देख लो, हर एक को क्या होता है, सबसे आगे भगवान श्री कृष्ण को रखता है, बाकी कोई भी विषय को उन लोग नहीं रखते। हम लोग देख सकते हैं यही भागवत में और एक श्लोक है राइट, जिन्होंने पूरी तरह से भगवान का कमल चरण को आश्रय लिया है उनको बाकी कोई ऋण है ही नहीं है, वो तो एकदम टॉप स्टैंडर्ड है, क्योंकि वो इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक वहां फिट हो जाते हैं। उतना हम लोग पहुंचना चाहिए, मगर उतना पहुंचने के पहले हम लोगों को यहाँ ऐसे कुछ कुछ रुकावट, ऐसे कुछ स्लो भी हो जाता है, मगर याद रखना चाहिए बाकी समय पे हम लोग सावधान रहना है। सावधान रहेगा तो कोई कोई के सवाल होते हैं, बाकी सबको छोड़ना नहीं, मर्यादा दे के आगे बढ़ना है। उद्देश्य तो एक ही होना चाहिए, बाकी बीच में जो भी आता है उसको जस्ट रेस्पेक्ट देना, आगे हम लोग को जाना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं वो लोग क्या मजाक उड़ता है, वहां जाके क्यों बताते राइट। मगर इसमें याद रख लो, ऐसी मूर्खता लोगों को यहाँ लिखता है, वहां भी कहा पश्चिम लोग भी इतना आनंद पूर्वक स्वीकार कर रहे हैं। अभी देखिए प्रभुपाद ये उम्र में जाके कैसे प्रचार किया, कैसे इतना भक्त बनाया, मतलब वो लोगों को भी रुचि है, वो लोग भी जीवात्मा है, उनका जो बाहर शरीर देखे गोरा है काला है करके सोचेगा तो वापस वही अवैष्णव का कार्य करता है, वैष्णव कभी भी सोचता नहीं है। इसलिए प्रभुपाद महाश्रेष्ठ वैष्णव है, इसलिए उन्होंने क्या सोचा था, जितना भी गोलोक में जीव जाल है सबको कृष्ण भावना मत देना, सो दिस इज द टॉप मोस्ट। इसलिए उनको क्या कहता है, परिवराज का आचार्य बनता है राइट, अपना शरीर को भी देखता नहीं है, क्यों, दूसरों को भक्ति पहुंचा। तो आगे यहाँ उन लोगों को ऐसे तर्क करने वाले को हम लोग समझा सकते, वहां भी ये कृष्ण भक्ति को स्वीकार करने के लिए बहुत लोग तैयार है, वो लोग कभी भी ना नहीं कह सकता है, कोई कोई कहता है वो अलग बात है, मगर मेजोरिटी दे आर ऑल इंटरेस्ट है। अभी भी देखिए जितना भी है, कल भी कुछ अच्छा रथ यात्रा चलता था कहाँ, अलाछुआ में, वहां इतना धाम धूम से कितना भक्त लोग है, वहां का पॉपुलेशन के अनुसार भक्त लोग बहुत आते थे। सो वी कैन अंडरस्टैंड ये कृष्ण भावना मत तो हर जगह पे फैलना चाहिए, क्योंकि इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या हर एक ग्राम में भी एक भक्ति कृष्ण भक्ति आना चाहिए। सो प्रभुपाद तो उनका गुरु का आदेश को पालन करने के लिए पूरी तरह से उन्होंने कोशिश किया है, मगर इसी समय लास्ट में हम लोगों को विषय एक विषय मालूम होना चाहिए।
ऐसी जो करने वाला को हम लोग क्या करना चाहिए, सहायता करना चाहिए, राइट। इसलिए दस अपराध में क्या बोलते हैं, कभी भी ऐसी कृष्ण भाव नाम दूसरों को प्रचार करने वाले को निंदा नहीं करना चाहिए। आजकल लोग ऐसे बहुत है निंदा करने के लिए, क्योंकि उन लोगों को कोई आता नहीं है, कुछ करता करने के लिए लायक भी नहीं है, राइट, योग्यता नहीं है, क्या करेगा बैठ के आर्मचेयर फिलॉसफी बोलता है प्रोपाल, आर्मचेयर फिलॉसफी बोलेंगे तो हमारा कुर्सी के अंदर क्या होता है, हमारा हाथ रखने के लिए एक दोनों तरफ लकड़ी होती है, उसके ऊपर हाथ रख के उन्होंने कमेंट करता है, राइट। ऐसी आर्मचेयर फिलॉसफी नहीं चलता है, राइट। यहाँ क्या करना चाहिए, हम लोग उठकर सेवा करना चाहिए, कैसे, वैष्णव को अनुचरण करते हैं। तो यहाँ बताता है ऐसी मूर्खता लोगों को क्या बोल सकते हैं, हम लोग पशु से भी नीचे है, क्या लिखते हैं इसमें, दे आर लिटिल बेटर देन एनिमल्स, मतलब पशु से थोड़ा मतलब इसका अर्थ क्या वही है, दे आर लेसर देन एनिमल्स। सो वी कैन अंडरस्टैंड हम लोग मनुष्य बनना चाहिए, पशु नहीं बनना चाहिए, क्योंकि शरीर क्या मिला है, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है बहुत दुर्लभ से, मगर उसको क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाने का। तो यहाँ रुक्मी का जो स्वभाव है ये मनुष्य स्वभाव में नहीं है, वो मूर्खता स्वभाव है, पशु का स्वभाव, क्या कारण है, उसके साथ जितना भी लोग था पूरा आसुरिक है, वही भावना इसके अंदर आ गया। तो यहाँ रुक्मी आगे क्या किया, ये भक्ति में आने के लिए तैयारी नहीं था, राइट, इसकी वजह से उनको पूरी तरफ से इतना प्रॉब्लम आ गया। अगर उन्होंने थोड़ी सी, उनका बहन जो किया उसमें से थोड़ी सी उन्होंने भी कोशिश किया होगा तो कहां पहुंचना कर, अच्छा जगह पहुंच गड़बड़ी। देखिए दोनों विदर्भा का है, भाई बहन, राइट, बहन को इतना दूर से बैठ के उन्होंने समझ लिया ये तो भगवान स्वयं है त्रिभुवन सुंदर, राइट, क्या बताता है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर बता रही है, राइट, मतलब सुनकर उनका रूप लावण्य को इतना आकर्षित हो गया, मगर ये मूर्खता तो देखने के बाद भी उसको आकर्षित नहीं है। सो यही है सुकृति दुष्कृति बोलता है, राइट, यहाँ रुक्मी को दुष्कृति ज्यादा है इसलिए उन्होंने भगवान को स्वामी करके स्वीकार नहीं किया है, अपना दोस्त और अपना सूर्य सोचकर उन्होंने उसका पक्ष में नहीं आया, क्या हुआ, उन्होंने जितना भी आसुरिक स्वभाव में वहां पक्ष में पहुंच गया। मगर ये लोगों की गड़बड़ी है, भगवान पक्षपात भी बोलते हैं, ये और बेकार है, सो दे डोंट अंडरस्टैंड द रियल क्वालिटी, प्रोपद इसलिए क्या लिखते हैं, प्रोपद कभी लिखता नहीं ऐसी क्वालिटी करके, भगवान का गुण के बारे में लिखते हुए क्या लिखते हैं उन्होंने, दिव्य गुण लिखते प्रॉपर, क्या कारण है, हर एक गुण तो भगवान का दिव्य है, एक हमारा अंदर तो बहुत कुछ कलमश है इसलिए हमको गुण बोलते हैं, कभी कभी बुरा गुण भी होता है, मगर भगवान का अंदर हर एक तो दिव्य गुण है। हरे कृष्णा, आज ये श्लोक अंदर इतना विषय है, एक बार मैं समराइज करने के लिए कोशिश करता हूँ। जैसे ये श्लोक का अंदर रुक्मी भगवान को अपना शत्रु मानकर, मगर अपना बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए अपना पोती मतलब बेटी का बेटी को क्या किया, दौहित्र का शादी में दे दिया, राइट, मतलब याद रखिए भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी दोनों को पुत्र हुआ है, कौन है, प्रद्युम्न, राइट, आगे देखिएगा तो उनको पुत्र है अनिरुद्ध, उनको शादी करने के लिए क्या किया, रुक्मी का बेटी को दिया है शादी के, नॉट द सेम वन, राइट, अंडरस्टैंड, अनदर डॉटर्स डॉटर वाज गिवन इन मैरिज, सो दैट बिकम्स द रिलेशन इज डिफरेंट, ओके, हरे कृष्ण। साधु साधु साधु, हरे कृष्ण आपका थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मधुर क्लास, बहुत सारे आपने हमें इंफॉर्मेशन दी कि एक व्यक्ति को हम समझ सकते हैं उनके संघ के द्वारा,
यू स्टार्टेड विद दिस रुक्मिणी का, रुक्मिणी का क्या संग था उसके द्वारा हम रुक्मिणी के नेचर को जान सकते हैं. थैंक यू प्रभु. फिर आपने बताया कि एक वैष्णव जो होता है वो इन सब से ऊपर होता है, वो पर दुख दुखी होता है. फिर भी जो मेन रूट कारण जो होता है हमारा एक एनवी का कि भाई ये होता है, द्वेष का कि भाई वो मुझसे ज्यादा बड़ा है, ज्यादा मुझसे आगे है. फिर आपने वेरी वंडरफुली एक्सप्लेन कि भाई वो छह गुण होते हैं, कौन से दाती प्रतिगृहनाती वैष्णव एटिकेट, कैसे हमें ये पालन करना चाहिए, कैसे प्रसादम के लिए बुलाना चाहिए और प्रेम से खिलाना चाहिए. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. अगर हम सीक्रेट शेयर भी करते हैं किसी भक्त के साथ तो उस भक्त को उस सीक्रेट को सीक्रेट रखना चाहिए, उसे प्रजल्पा में नहीं बदलना चाहिए. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और प्रसादम खाते समय प्रेम से खाना चाहिए. देन आपने वेरी नाइसली बताया कि भाई सुहृद हमारा कौन है. हमारा मेन सुहृद है जो मुक्ताराम या प्रसाद ये श्लोक इस टाइप के आपने बहुत गीता का 5.29 वाला. एंड कि भाई इसे और एक बात बताइए कि भाई भगवान समूह हम सर्वभूतेषु है, वो किसी से द्वेष नहीं करते. सो वी शुड बी वेरी हैप्पी कि भाई वो हमारे भगवान है. फिर रुक्मिणी के सारे जो दोस्त थे, सारे फ्रेंड्स थे, वो भगवान के एक्चुअल में द्वेष करते थे, इसके लिए रुक्मिणी का उसके ऊपर ये प्रभाव पड़ा. फिर आपने सर्वधर्मान परित्यजा श्लोक को बताया हमें. फिर दूसरा कि भाई अगर हम भगवान को पूजेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे, अगर हम पितरों को पूजेंगे पितृ न्यास्ति पितृ विताप, ये श्लोक बताया आपने. फिर प्रभुपाद जी के जो बताया कि इतना महत्वपूर्ण इतना अच्छा नाम दिया है हमारे इस आंदोलन को कि कृष्ण भावना अमृत, ये नाम में ही सब कुछ है. देन कृष्ण भक्ति बहुत ही सरल है, उसे सरलता से करना है हमें. और हमारा सिर्फ यही यही इच्छा होनी चाहिए कि भाई हम भक्ति में कैसे आगे बढ़े. फिर आपने चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया कि नवा महावद्यनाय है और उन्होंने बहुत कृपा की है. हम देख सकते हैं कि पाश्चात्य देश के जो भक्त हैं वो कितने इजिली कृष्ण भावना अमृत को स्वीकार कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से पूरे मन से स्वीकार कर रहे हैं. फिर आपने आर्मचेयर फिलोसफी के बारे में बताया कि हमें नहीं चाहिए वो फिलोसफी. और लास्ट में आपने बताया कि भाई अगर रुक्मी अपने बहन से थोड़ा कुछ भी सीख लेता था तो आज उसकी दूसरी गति होती. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच प्रभु जी. अगर आपकी आज्ञा हो तो हम थोड़े किसी के प्रश्न या किसी की जिज्ञासा है तो वो ले लेते हैं. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. परमेश्वर बोल प्रभु जी. हरे कृष्णा. प्रभु जी का लाइन डिस्कनेक्ट हो गया है, कोई आ जाएंगे. अगर किसी के कोई प्रश्न हो या कोई जिज्ञासा हो तो कृपा करके पूछिए, प्रभु जी आ जाएंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. आई थिंक मैं फोन करता हूँ प्रभु जी को, लगता है उनका लाइन डिस्कनेक्ट हो गया है, कैसे हो गया पता नहीं. जय गोविंद प्रभु जी. आई देयर. हरे कृष्णा प्रभु. नमस्कार प्रणाम. नमस्कार प्रणाम प्रभु जी. आई थिंक प्रभु जी विल जॉइन बैक. मीनवाइल अगर आपके पास कुछ पूछना है तो कृपया कर दीजिए. या यू हैव दैट क्वेश्चन प्रभु, अपना सेवा अपॉर्चुनिटीज दामोदर देश में. हाँ
If you can share that, it will be good. Yes, सेवा की बहुत सारी opportunities है, तो कृपा करके जैसे हमने आज देखा कि हमें नित्यम भागवत सेवा करना चाहिए, तो आप लोगों में से कोई भी वापस रिपीट कर रहे हैं, जयगुण प्रभु जी हमेशा याद रखते हैं कि ये देखिए ये अपॉर्चुनिटी है, डिस्प्ले में आ गया है कि नित्यम भागवत सेवा, तो ये लैंग्वेज हिंदी रहेगा हफ्ते में एक बार बस, आपको मतलब ड्यूरेशन एक हफ्ते का रहता है, आप इसके लिए मतलब एक आपका बारी जो दो महीने में तीन महीने में एक बार आपका चांस आएगा, वंस इन ए सिक्स वीक जैसे यू नो होस्टिंग की सेवा है, और जो भागवत आया उसके बारे में हमें उसकी प्रचार मतलब उसका जो इंट्रोडक्शन करना है, फिर लास्ट में क्वेश्चन आंसर लेना है, एक ये सेवा हो गई, बड़ी सरल सेवा है। और दूसरी सेवा है कि भाई ये जो पीछे स्क्रीन का शेयरिंग होता रहता है वो स्क्रीन शेयरिंग आप कर सकते हैं, जैसे पीछे बैठ करके आप जैसे कोई श्लोक बोल रहा है तो वो श्लोक डिस्प्ले करना, या जैसे हम सुबह शुरू करते हैं हमारे कौन से श्लोक पढ़े जाएंगे वो श्लोकों को डिस्प्ले करना, ये सारा मटेरियल आपको दे दिया जाएगा पहले से ही, ये सारे जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं उनके सारे मटेरियल डिटेल्स आपको दो दिन पहले एक दिन पहले मिल जाएगा ग्रुप में, हमारा एक NBS सेवा का एक ग्रुप है अलग से, अगर आप इच्छुक हैं सेवा करने के लिए तो हमें कृपा करके बताइए, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, देन आप अपनी सेवा खुद ही चूज कर सकते हैं, तो आप लोगों से विनती है कृपा करके इस सेवा अपॉर्चुनिटी को ना खोएं, और बहुत ही बड़ी सेवा बहुत ही महान सेवा है ये भागवतम जो रोज हमारा नित्य हो रहा है, इसमें हमारे सहायता दें, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जय गुण प्रभु जी, यू वांट टू अनाउंस समथिंग मोर? हरे कृष्णा, क्वेश्चन भी आए हैं और सेवा के रिक्वेस्ट भी आई है, सो नाइस, वेरी नाइस। आई थिंक आई नीड टू कॉल परमेश्वर गौर प्रभु। जय गौर प्रभु जी, यू कैन डू अनाउंस। यस प्रभु, आई कॉल। हरे कृष्णा, या हरे कृष्ण डिवोटीज, जैसे हमारा परमानंद प्रभु अभी अनाउंसमेंट किया है, देयर इज लॉट ऑफ सेवा अपॉर्चुनिटीज, यदि हमको कृष्ण महानामृत में आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका है, व्हेन यू एंगेज इन सर्विस ऑटोमेटिकली नो यू विल गेट टेस्ट फॉर चैंटिंग द होली नेम ऑल्सो, सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सबसे निवेदन है जितना आप कोई भी सेवा कर सकते हो आइए, आगे आइए, हमारा अच्छा NBS टीम है हेडेड बाय सुभाष प्रभु, बाद में मधुहर प्रभु एंड राहुल प्रभु, नीता जीवन प्रभु, ये सब लोग आपको ट्रेनिंग देगा। सो इट्स बहुत बहुत सिंपल है, इट्स नॉट दैट यू नो इट रिक्वायर्स ब्रह्म विद्या, इट्स वेरी सिंपल थिंग, जिसको ओनली थिंग व्हाट शुड यू हैव इज द mood to serve. Service attitude is very very important. IA, so then it will be great helpful for everyone, so and also personally for aap logon ko bhi you know vadhyatmik jeevan mein aage badhne ke liye bahut acha avsar hai, don't miss this opportunity. Hare Krishna. Aur yes, this Sunday is Narasimha Chaturdashi, Narasimha Dev जी का आविर्भाव दिवस है, सो एंड टुडे इज ऑल्सो वेरी स्पेशल डे, आज है सीता नवमी, सीता नवमी इज मदर सीता का आविर्भाव दिवस है, एंड जय रामचंद्र जी का कर्म पत्नी सीता माता का आज आविर्भाव है, सो और इसके साथ में मधु पंडित दास जी का, एक मिनट,
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। या हरे कृष्ण प्रभु, आए नहीं परमेश्वर प्रभु जी, क्या डिस्कनेक्ट हो गया लगता है ना? सॉरी हरे कृष्ण, आई जस्ट स्पोक टू माय कॉल, उनका पावर डिस्कनेक्ट हो गया है, तो इसके लिए आपको कोई प्रश्न है तो हमारे साथ जयगुण प्रभु जी हैं। प्रभु जी, जयगुण प्रभु जी, देयर इज अ क्वेश्चन इन चैट आल्सो, इफ यू कैन रीड इट प्लीज आंसर इट। हरे कृष्ण, चंचल माता जी का प्रश्न है और बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एज यूजुअल। आप आंसर कर लीजिए प्रभु। हरे कृष्ण, तुलसी प्रभु इज देयर ऑन द कॉल? या तुलसी प्रभु इज देयर। हरे कृष्ण, वी आर हियर फ्रॉम तुलसी प्रभु। यस, हरे कृष्ण भैया, यू देयर? You all can answer. Everyone is capable. Why Jaygon Prabhu is trying to show this humility? Maryada Vishrama nahi. Maryada. Aap hai Prabhu. Hame Jaygon Prabhu ne sikhaya hai. Kai bade log hote hain, usse bhi kuch nahi bolna. Sab bade. Are yes, his great Tulsi Gon Prabhu ji will answer. Prashna kya hai? Sab log dekho. Does achieving enlightenment requires emotional detachment? Ek minute. Kaha hai question? Kaha likha hai question? Chanchal Sharma. Prabhuji, does achieving enlightenment requires emotional detachment? Of course, nothing emotional is required here. Sorry, Madhaji ka prashna Hindi mein. Yeah, hame atma sakshatkar ya bhagavat sakshatkar ya gyan prapt karne ke liye hame kya ye jo bhavukta hai, bhavukta ke karan jo asaktiyan hai, kya उसको त्यागना पड़ेगा? यस ऑफ कोर्स, त्यागने का मतलब ये हुआ हमारे जो भावुक संबंधों को आध्यात्मिक संबंध बनाना पड़ेगा। मतलब हम प्रॉपर हिंदी में बोलेंगे तो उसको बदलना पड़ेगा, इमोशनल अटैचमेंट को स्पिरिचुअल अटैचमेंट में बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं डिटैचमेंट का मतलब उसे कनेक्शन तोड़ दें या क्या, और उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। इमोशनल अटैचमेंट को प्रेम में बदलना पड़ेगा, जिसको हम आध्यात्मिक अटैचमेंट बोलते हैं वो प्रेम है। भावुकता को प्रेम में बदलना पड़ेगा, तो ये और गहरा संबंध होगा और मजबूत संबंध होगा। वो कैसे संभव है? अगर हम कृष्ण जो हमारे सुहृद हैं उसके साथ हम अपने संबंध को पहचानें, उसको रिवाइव करें और उसके साथ हम प्रेम करना सीखें, फिर धीरे धीरे उनके भक्तों के साथ, फिर धीरे धीरे सब लोगों के साथ, और उसके आगे जा करके हर वस्तु के साथ हमारा आध्यात्मिक संबंध बन जाएगा। अभी हम कृष्ण के साथ भी भौतिक संबंध बनाना चाहते हैं, मुझे कुछ मिलेगा कृष्ण से व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल लाभ, भौतिक लाभ, मटेरियल बेनिफिट्स, तो मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा या करूंगी क्या? ये मटेरियल भौतिक इमोशनल अटैचमेंट है, ये स्थाई नहीं हो सकता, परमानेंट नहीं हो सकता। एक जगह से नहीं मिला फिर अब दूसरी दुकान में जाएंगे, क्योंकि हमको कृष्ण को प्राप्त नहीं करना है, कृष्ण से प्राप्त करना है। तो जब हम कृष्ण के साथ अपने संबंध को बदलेंगे, हम कृष्ण से प्राप्त न करने के बजाय कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा हम बनाएंगे, ये प्रेम बनेगा, तब दूसरों के साथ भी यही संबंध बनेगा कि हम दूसरों को क्या दे सकते हैं, क्या ले सकते हैं कि नहीं। सुहृद बन जाएंगे हम, प्रेमी बन जाएंगे।
तो इन शॉर्ट हमको संबंधों को बदलना है, तोड़ना नहीं है। त्यागने का मतलब ये होता है भौतिक संबंध को आध्यात्मिक बनाना। हरे कृष्णा प्रेम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। जैसे आपने बताया कि कृष्ण से मांगना नहीं है, कृष्ण को पाना है। कृष्ण से कुछ मांगना नहीं है, कृष्ण को प्राप्त करना है। तो इस ये तो ध्रुव महाराज ने तो ऐसा नहीं किया था। ध्रुव महाराज ने तो शुरू में यही सोचा था कि मुझे कृष्ण से प्राप्त करना है, भगवान से प्राप्त करना है। तो बाद में ये सब कुछ हुआ। पहले शुरुआती में तो उसने कृष्ण ने ध्रुव महाराज ने जब उसकी माता ने बोला कि ये सब तुम्हें मिलेगा तो भगवान से विष्णु से मिलेगा, तुम उसकी पूजा करो, तो वहां से जब निकला था वो तो ये मान के चला था कि मैं भगवान से ये लूंगा, मैं मेरे पिताजी से क्या, मेरे परदादा दादाजी से बड़ा जो है सिंहासन मुझे चाहिए, मुझे राज्य चाहिए। तो कृष्ण से कुछ मांगने की ही इच्छा थी उसकी। बाद में भले वो कृष्ण जब तपस्या करने के बाद में महाराज भगवान उनके पास आए, उनको शंख से छुआ, तब उनकी सारी इच्छा जाती रही, परंतु शुरुआती में तो ऐसा नहीं हुआ था उसके साथ में। तो आपने ही बताया था कि कृष्ण से अगर मांगना है तो कृष्ण से ही मांगना है हमने। बाद में ये जो है आपने कई क्वेश्चन भी कई उसमें बताया है आपने आपके प्रवचनों में, हमें चाहे काम हो सर्व काम हो मोक्ष काम हो धाकति, अगर कुछ मांगना है तो कृष्ण से मांगना है। आपने अभी तो उसमें बोल दिया कृष्ण से मांगना नहीं है, कृष्ण को प्राप्त करना है। तो कृष्ण को तो प्राप्त बाद में होंगे, पहले तो कृष्ण से हमें कुछ चाहिए, कुछ बेनिफिट चाहिए। अरे वैसे हो ये नॉर्थ इंडिया में क्या हर जगह वैसे तो शुरू में दिमाग में तो ये रहती रहती है कि हमें कृष्ण से कुछ चाहिए। आपका प्रश्न, आपका स्टेटमेंट, आपने स्वयं आंसर दे दिया। माता जी का प्रश्न था कि जो इमोशनल अटैचमेंट है उसको त्यागना है। मैंने कहा बिल्कुल, तो इमोशनल अटैचमेंट ही होता है भौतिक अटैचमेंट, क्या भावुकता या कुछ प्राप्त करने की। भावुकता जो है गलत होती है, ये इंसान के अंदर जो भावुकता वाला आदमी नहीं, भावुकता गलत नहीं है, पर भावुकता को बदलना जरूरी है, भाव में आना चाहिए, भावुकता को भाव में बदलना है। तो वो श्रद्धा क्या भजन क्रिया निष्ठा रुचि आसक्ति भाव, ऐसे क्रमशः हमें आगे बढ़ना है। तो भगवान की भक्ति चाहे सकाम भक्ति ही हो, हम करते रहें, लेकिन प्रभुपाद ने बोला है ना, फिलॉसफी विदाउट रिलीजियस प्रैक्टिस विदाउट फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग, क्या ये सेंटिमेंटालिटी हो जाती है। तो अगर हम जब तक हम ज्ञान की बातों को समझेंगे नहीं, श्रवण नहीं करेंगे कि किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है, प्रगति करनी, अपने संबंध को आध्यात्मिक बनाना है सबके लिए, हम जब तक ये सुनेंगे नहीं समझेंगे नहीं क्या, तो भावुकता बनी रहेगी, भावुकता को हम कभी त्याग नहीं पाएंगे। तो अभी भले ही हम ध्रुव महाराज की तरह या किसी भी हम सकाम भक्ति में लगे हुए हैं क्या, तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ भावुकता वाली भक्ति के साथ साथ हमें ज्ञान भी प्राप्त करना है कि किस प्रकार हम इस भावुकता को त्यागें और इससे ऊपर क्या है हम वो प्राप्त करें। तो ये जर्नी है। हमने ये नहीं कहा कोई भी नया व्यक्ति आए और सब कामनाओं को छोड़ के भक्ति करे, नहीं तो भक्ति उसकी स्वीकार नहीं होगी। नहीं, सकाम भक्ति भी स्वीकार होती है, परंतु आगे बढ़ना है, नहीं तो हम सकाम भक्ति बने रहेंगे। माता जी का ये प्रश्न था। हाँ ठीक है जी प्रभु जी, हम मतलब शुरुआती हो सकता है, उसके बाद में आपको भावुकता को भाव में बदलना है ना। हाँ, ये मेरा जो स्वभाव है वो तो मैं छोड़ नहीं पाऊंगा ना। मैं कृष्ण के जब मैं कहीं से कुछ नहीं मिला, शांति नहीं मिली या कुछ, तो हम कृष्ण के पास आए हैं, तो वो हम सकाम भक्ति लेकर के आए हैं, करते हैं, पर धीरे धीरे माता जी के प्रश्न के अनुसार हमें इसको त्यागना होगा, इसको बदलना होगा, धीरे धीरे सकाम को निष्काम बनाना होगा। हाँ, धीरे धीरे जब इसमें आगे प्रगति,
एग्जैक्टली हम भगवान से मांगते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, हमारी इच्छा पूरी करो। हाँ, तो हम जब भगवान से मांगेंगे तो उसका मतलब ये हुआ कि इच्छा पूरी होने का मतलब हमारी इच्छा की वस्तु हमें मिल जाए और फिर इच्छा भी हृदय से गुम हो जाए, भौतिक इच्छा। अब हमारी इच्छा कि हम क्या दें भगवान को, हम भगवान को कैसे प्रसन्न करें, क्या वो सेवा का भाव आना चाहिए, भावुकता से सेवा का भाव। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है ना, बहुत बार आ ही जाता है, कई लोग पूछ लेते हैं नहीं नहीं हमें तो मान लो कुछ उनको कुछ लालच भी देना पड़ता है, जैसे मान लो भक्ति आप भक्ति करोगे तो ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, नए आदमी को जोड़ने के लिए। नहीं नहीं नहीं, हमें 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 ऐसा दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए, हमें उसे समझाना चाहिए। हाँ हाँ, भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, मतलब प्राप्ति भी होगी, तृप्ति भी होगी और उससे इच्छा से मुक्ति भी मिलेगी आपको। हमें पूरा ज्ञान देना चाहिए उसको। हाँ? यानी धीरे धीरे जो है ये आपकी जो है मांगने की इच्छा जो है वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। हाँ बिल्कुल, उसको इससे हायर इच्छा जो है, क्या ऊंची इच्छा जो है भगवान की जो इच्छा है वो हमारी इच्छा बन जाएगी, आध्यात्मिक इच्छा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। लंबा हो गया। परमानंद प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू रसा कृष्ण बलराम प्रभु जी, थैंक यू आपका भी बहुत बहुत। और हम अलादनी राधा राधिका माता जी को भी थैंक यू बोलेंगे, उन्होंने हिंदी पढ़ने की सेवा ली थी आज। यही छोटी छोटी सेवाएं हैं जो आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर टाइम सर्कमस्टेंस। कृपा करके अपना नाम रजिस्टर करवाइए, हमने चैट बॉक्स में जयगोन प्रभु जी का नाम दिया है, उसको ऐसे मैसेज कर सकते हैं कि कौन सी सेवा चाहिए। जयगोन प्रभु जी, एनी मोर अनाउंसमेंट? क्या? हरे कृष्ण प्रभु। आज है सीता नवमी है, सीता मैया का आविर्भाव दिवस है और साथ साथ में इट इज अपीयरेंस डे ऑफ श्रीमती जानवा देवी, जानवा माता नित्यानंद प्रभु जी का धर्म पत्नी, नित्यानंद महाप्रभु का धर्म पत्नी है। एंड जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ये धरातल पर अपना लीला समाप्त किया, देन शी वॉज हेडिंग द संकीर्तन मूवमेंट, शी इज अ ग्रेटेस्ट टीचर। उनका चरण कमल में हम प्रार्थना करते हैं और हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। और टुडे इज ऑल्सो द डिसअपीयरेंस डे ऑफ मधु पंडित। मधु पंडित है गदाधर पंडित जी का शिष्य था और उन्होंने वृंदावन में जो गोपीनाथ मंदिर है उसका स्थापना किया। सो उनका आविर्भाव, आई मीन तिरुभाव दिवस है आज। सो वी प्रे from him also. Hare Krishna. Thank you, Jagan Prabhu. Thank you so much. और भी किसी को प्रेयर करानी है? हमें एक छोटी सी प्रेयर रिक्वेस्ट आई थी हमारे रतन लाल प्रभु जी के लिए, हमारे नरोत्तम कृष्ण दास प्रभु जी हैं, नरेंद्र रोचानी प्रभु, उनके पिताजी रतन लाल जी, उनकी तबीयत पूरी ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं कल, तो उनके लिए भी प्रेयर करना है हमें। हरे कृष्णा। आप किसी के लिए प्रेयर करना? हमारे सुषमा राव माता जी जो हमारे NBS के सेवादारी हैं, प्रमुख सेवादारी शिवानंद प्रभु, उनकी अर्धा है, उनके लिए भी प्रेयर करना है। और हमारे भक्ति सिद्धांत प्रभु जी जो यहाँ थे, उनकी कल 25th वेडिंग एनिवर्सरी, उनके लिए भी प्रेयर करना है। और तेजस्वी माता जी के लिए प्रेयर करना है। और किसी के लिए प्रेयर करना है? प्लेस फॉर माय नानी, शी हैज फॉर माय नीन शी हैज बोर्ड एग्जाम्स टुडे। अच्छा, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो उनके लिए भी प्रेयर करना है ताकि वो अच्छे से पास हो जाए और सारी अपनी पढ़ाई प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ने में लगा दें।
प्रभु जी, एक ममता माता जी क्लास की, उनकी भी बेटी के 2 एग्जाम्स हैं आज, उन्होंने भी प्रेयर मांगी है। उसका नाम है पर उनकी बेटी का। थैंक यू माता जी, उनके लिए प्रेयर करेंगे। सारे बच्चों के लिए प्रेयर करते हैं। प्रभु फॉर माय सन सुगना कृष्णा, उनके लिए प्रेयर करेंगे। चंचल माता जी लिख रहे हैं, नॉट, एक मिनट में मैं फिर चैट पढ़ता हूँ। प्रभु फॉर माय मॉम सुगना, शी इज नॉट कीपिंग वेल। ओ कृष्णा, थैंक यू माता जी, उनके लिए प्रेयर करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु, प्लीज ब्रज प्रभु के फादर दयाराम गुप्ता के लिए भी प्लीज प्रेयर कर लीजिएगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ओ कृष्णा, इतने महान भक्त हैं जिन्होंने इतने सरलता से हमें भगवत गीता के श्लोक कैसे पढ़ा जाए, कैसे उच्चारण किया जाए, तो उन्होंने लिखा और बुक भी बनाया हमने। वो बुक बहुत अच्छी है, सबके पास वो एक बुक होनी चाहिए जिसको भी भगवत गीता के श्लोक पढ़ने का इच्छुक है। वो बहुत छोटी बुक है और बहुत सरल हिंदी में उन्होंने उसको पूरे संस्कृत को लिख के दिया है हमें, उनके लिए भी हम जरूर प्रे करेंगे। और चिराग प्रभु, हमारे प्रेमाजन नित्यानंद प्रभु लिख रहे हैं, उनके पुत्र चिराग, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए भी प्रे करेंगे। और प्रे फॉर दूर आडवाणी बर्थडे, अच्छा उनका बर्थडे है, उनके लिए प्रे करेंगे। सुमित्रा देवी के लिए भी, हरे कृष्ण। हाँ हाँ प्रभु, सुमित्रा देवी हमारे रसा सिंधु कृष्ण बलराम प्रभु जी की अर्धांगनी, उनके लिए भी प्रे करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, मैं चंदना शाह, मेरे लिए थोड़ा करिए, मैं बांग्लादेश में बहुत प्रॉब्लम में अभी है। ओके माता जी, आपके लिए प्रे करेंगे, श्योर डेफिनेटली। हरे कृष्णा, हम सबके लिए, सर्वे सुखिना भवंतु, सबके जो हमारे प्रिय हैं, सुरहित सुरहित सर्वभूतानां, हमारे श्री कृष्ण जो सबके सुरहित है, वो सबकी बातें सुनते हैं, तो सबके लिए हम उनसे याचना करेंगे कि अपने भक्ति में लगाए और हमारे सारे कष्ट हर ले। हरे कृष्णा, हम पहले वैष्णव प्रणाम करते हैं, फिर कौनसी तत्व का आश्रय लेते हुए हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके सबके लिए प्रेरित करेंगे। पंचाकल्पत्रुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका दिन मंगलमय हो और कृष्णमय हो। हरे कृष्णा, आप सबकी आज्ञा से आज के इस क्लास में हम विराम देते हैं। क्षमा चाहते हैं, हम थोड़ा टाइम एक्सीड हो गया, लेकिन आज बहुत क्लास अच्छा और प्रश्न भी उत्तर अच्छे थे बहुत। हरे कृष्णा, कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू। आप सबकी आज्ञा हो तो हम यहाँ पर आज क्लास को विराम देते हैं। प्रभु जी की जय, परमेश्वर गौर प्रभु जी की जय। जय गौर प्रभु जी, आप होस्ट हैं। हाँ प्रभु।